सो गाइस वीकेंड का वार शुरू हो चुका है और सलमान खान स्टेज पर आ चुके हैं और सलमान खान ने इस बार पवित्र पुनिया के साथ शुरुआत की है। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है शुसमर, आप देख रहे हैं द डॉलीवुड रिपोर्टर। वीकेंड का वार की अपडेट्स लेकर आ गया हूं और यहां पर आपको बता दूं कि पवित्र पुनिया को सलमान ने बैश किया है। यहां पर पवित्र पुनिया ने जो पूरे हफ्ते किया है उसके ऊपर सलमान ने उन्हें लताड़ लगाई है, जो एजाज के साथ हुआ है बेसिकली उसके ऊपर सलमान खान ने यहाँ पर पवित्र पुनिया की क्लास ली है। सलमान खान ने यहाँ पर पवित्र पुनिया को बोला है कि आपने पूरी रात सोचा था ये ड्रामा, कि आपने जो तुरंत एक्शन नहीं लिया, जो भी आपकी बात हुई एजाज से आपने एक रात पूरी रोने में निकाल दी, उसके बाद नेक्स्ट डे जो आपका रौद्र रूप है वो सामने आया, तो क्या आपने ये सब प्लानिंग की थी। इसके साथ ही सलमान ने पवित्र को बोला यार आप इतना चीखती हैं चिल्लाती हैं कि लोगों ने अपने चैनल बदलना ही बंद कर दिए हैं। तो गाइस सलमान खान इस बार आपको थोड़ा रौद्र रूप में नजर आने वाले हैं, क्योंकि पवित्र पुनिया ने जो किया है उसके ऊपर सलमान खान उनकी क्लास लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा था यहाँ पर स्पेसशिप टास्क में, जहां पर राहुल वैद्या और निक्की तंबोली के बीच इंसिडेंट हुआ था, जहां सभी घरवालों ने निक्की को गलत साबित किया था। अब यहाँ पर सलमान थोड़ा निक्की का फेवर करते नजर आए हैं। सलमान ने बोला है कि निक्की बहुत ही क्विक थी, राहुल देखता ही रह गया और उसके सामने से मास्क जो है वो चला गया। अब वो निक्की की स्ट्रेटेजी थी कि उसने अपनी पैंट में वो मास्क छुपाया। पिछले सीजन में भी कई लोगों ने जो चीजें हैं वो छुपाई हैं अपने कपड़ों के अंदर, सलमान खान ऐसा एक्सक्यूज देते हुए नजर आए और यहाँ पर सलमान जो है निक्की तंबोली का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। तो गाइज और भी बाकी अपडेट्स हैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और देखते रहो द डॉलीवुड रिपोर्टर।